कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं रजनी आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल में, रजनी लाइव ब्लॉग्स में। और अभी शाम के 8 बजे हैं और आज नवरात्रि का पहला दिन है। सभी को हैप्पी नवरात्रि और माता रानी सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। और आज काम कम था खाना पीने वाला, तो फ्री हो गई हूँ और तो सोचा कि चलिए एक ऑर्गेनाइजर आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही छोटे कपड़े से और बहुत ही इजी है बनाना और बिल्कुल छोटे से कपड़े से बन के रेडी होगा और बहुत ही यूजफुल रहेगा। मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं आप उसको बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको किचन में यूज़ कर सकते हैं, आप उसको वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं, कई तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये कपड़ा है और ये डबल है, ये डबल है। इसके बाद हमने इसको और डबल किया और फोल्ड किया, बीच से फोल्ड कर लिया, उसके बाद हमने फिर से फोल्ड कर लिया इसको। ये देखिए, फिर से फोल्ड कर लिया हमने। अब इसके बाद हमें करनी है इसकी कटिंग। तो हम क्या करेंगे, पहले हम, क्योंकि हमें सर्किल में कटिंग करनी है, ठीक है, सर्किल में हमें कटिंग करनी है, तो हम यहां से नाप करेंगे इसका। ये देखिए 9 इंच ले लेंगे हम, 9 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। नाइन इंच पे हमने यहां पे निशान लगा लिया, ठीक है। हम सर्किल में निशान लगाएंगे 9 इंच पे पूरा। इस तरीके से पूरा हम सर्किल में निशान लगा लेंगे 9 इंच पे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारे दो पार्ट निकल आए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये कपड़े के दो सर्किल हो गए थे, एक ये है और एक ये है। उतना ही बड़ा मैंने ले लिया है एक राइस बैग का सर्किल, कट कर लिया है जितना बड़ा हमारा कपड़े का सर्किल है, कपड़ा है, उतना ही बड़ा पीस हमने एक राइस बैग का कर लिया है। और एक पीस ये रखा हमने और उसके ऊपर से एक पीस ये रखेंगे दोनों कपड़े, और बीच में राइस पीस बैग को रखेंगे और इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे, ऐसे स्टिच कर लेंगे राउंड में। आप पहले ना पिनअप कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद स्टिच करिए, जिससे कि फिनिशिंग अच्छे से आए। तो मैं इसको स्टिच कर ले रही हूँ। चारों तरफ स्टिच हो चुकी है और अब मैं जो इसके ये पिन है ये निकाल दूंगी और उसके बाद हमें एक पट्टी लेनी है और पट्टी को हमें और भी कट करके लेना है, तिरछा कट करके लेना है, जिससे कि फिनिशिंग आए, क्योंकि ये सर्कल में है। अगर सीधा सीधा होता तो आप सीधी पट्टी लेके लगा सकते थे, इसके लिए हमें पट्टी चाहिए इस तरीके से, इस तरीके से पट्टी चाहिए हमें। तो हमें ऐसी तिरछी पट्टी लेना है, इसको और भी कट बोलते हैं। ये देखिए, इसको हम अच्छे से तिरछा काट लेंगे और उसके बाद हमें पट्टियां कट कर लेना है। 1.5 इंच की पट्टी हमें कट कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, ये पट्टियां हमारी अलग अलग हो गई हैं। अब इनको हम आपस में ज्वाइंट कर लेंगे, इनको आपस में ज्वाइंट कर लेंगे और एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी तो और कट कर लेंगे, हमें इतनी लंबी पट्टी तैयार करनी है जो कि हमारे सर्कल के चारों तरफ आ जाए। तो पहले हमें पट्टी एक साइड से स्टिच कर लेना है
और इस एक सर्कल में हमारे दो बॉल हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए, किनारे पे हमें पट्टी को इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ लेना है, जिससे कि जब हम इसको पलटेंगे, पलट के स्टिच करेंगे तो फिनिशिंग के साथ हो। तो हमारी एक साइड से स्टिच हो चुकी है, अब इसको हम पलटते हुए और इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको फिर से स्टिच करेंगे पूरे में। फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच करना है। तो ये देखिए, दोनों साइड में हमारी ये जो है लग चुकी है, पाइपिंग बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, किनारी बोल लीजिए, पाइपिंग बोल लीजिए, पट्टी बोल लीजिए, तो ये दोनों साइड में स्टिच हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे बीच से और अच्छे से सेट कर लेना है चारों तरफ से, और इसको बीच से हमें कट कर लेना है। इसके दो पार्ट हमें कर लेने हैं ऐसे, दो पार्ट हमने कर लिए। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लेना है और इसको ऐसे लेना है। ऐसे और इसको और अच्छे से यहाँ पे स्टिच कर देना है। आप इसमें अपने छोटे मोटे काफी सामान रख सकते हैं, कई जगह यूज कर सकते। उसके बाद हमें फिर से एक स्ट्रिप लेना है और इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे थोड़ा सा किनारे से, और यहाँ से फिर इसको स्टिच हमें करना है अच्छे से। लास्ट में भी हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, लास्ट में भी हम थोड़ा सा और स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इसको हम पलट के इस तरीके से और ऐसे स्टिच कर देंगे इसको, फिर अच्छे से फिर से स्टिच कर देंगे इस तरीके। तो ये भी देखिए, हमारी यहाँ पे जो पट्टी है, पाइपिंग है, वो लग चुकी है। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा पार्ट जो है ना, ऐसे खुला हुआ है इस तरीके से, तो हमें इसको भी स्टिच करना है, इसको बंद करना है। तो हमें इसको ध्यान से यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करनी है, और ऐसे सिलाई करनी है जो कि हमारा ये हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा ना दब जाए, और इस तरीके से हमें अच्छे से सिलाई करनी है। ऐसी चीज़ों से, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर से हमारा घर तो ऑर्गेनाइज रहता ही है, साथ में हमारे जो कपड़े होते हैं बचे हुए वो भी काम आ जाते हैं। तो ये भी देखिए, ये स्टिचिंग भी हमारी हो चुकी है, और बहुत ही ध्यान से इसको करना है, जिससे कि हमारा नीचे वाला पार्ट जो है ना दबे, ऐसे हमें स्टिचिंग यहाँ पे करनी है। अब हम एक स्ट्रिप लेंगे, हमने ये ली है एक छोटी सी स्ट्रिप, ये देखिए, और इसको हम एक डोरी टाइप बना लेंगे, यानी कि हमें लूप बनानी है हैंग करने के लिए। तो हम ऐसे इस तरीके से एक लूप तैयार कर लेंगे। तो हमारी ये लूप जो है तैयार हो चुकी है। अब इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे, और यहाँ पे हम पीछे यहाँ पे इसको टक कर देंगे, यहाँ पे सिलाई कर देंगे इस तरीके से। बीच में हमें बिल्कुल देखना है कि बीच में सेंटर में ही हमें इसको टक करना है। तो अच्छे से हम दो तीन बार इसको मजबूती से सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए, ये रेडी हो चुका है बिल्कुल, ये देखिए रेडी टू यूज है ये।
और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सामान रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही रख के दिखा रही हूँ। ये है जिसमें हमारे बटन रहते हैं और ये है हमारे सीजर। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जो हैंग करना हो, रखना हो, ये हमारे आलपिन है जिससे हम पिनअप करते हैं कपड़े को। और मेरे पास में इस टाइम जो भी था वो मैं इसमें रख के आपको दिखा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चीज़ें रखिएगा। और इस तरीके के ऑर्गेनाइजर से क्या है कि हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन लगता है देखने में, बिखरा बिखरा नहीं लगता है। और बचे हुए पीस जो होते हैं कपड़े के वो भी हमारे काम आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें हमारी चीज़ों को यूज में लेना चाहिए और घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए अपने घर को ऑर्गेनाइज करने की। हम कहीं भी जाते हैं, किसी का घर ऑर्गेनाइज देखते हैं, तो वो एक दिन की मेहनत नहीं होती है, वो सालों की मेहनत होती है। और इसी तरीके से हमें भी ये हमारा जो सीजर है ये बहुत ज़्यादा हैवी है, ये इसमें नहीं रख पाएगा। और इस तरीके से आपको इसको हैंग कर देना है। तो इसमें आप जैसे अपना मेकअप का सामान रख सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आप रख सकते हैं। चलिए मैं कहीं पर इसको अभी फ़िलहाल आपको हैंग करके दिखाती हूँ। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज करिए, किचन में, बाथरूम में, जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ पे यूज करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये एक सर्कल में दो बने हैं, एक और अभी बनाऊँगी मैं। तो फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।